सेब की मिठास अब हमीरपुर में भी मिल रही है, क्योंकि हमीरपुर जिला के रंगस के बन गांव में पिछले कुछ सालों से सेब के पौधों पर रसीले सेब लगने से बागवान चहके हुए हैं। हमीरपुर जैसे गर्म क्षेत्रफल वाले इलाके में सेब के लिए वातानुकूल होने से लोग भी हैरान हैं, क्योंकि पहले ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ही सेब की पैदावार हो पाती थी। बन गांव में संजय खान के आंगन में मीठे सेब लगने से लोग भी हैरान हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के बन गांव में संजय खान की मेहनत रंग लाई है और पिछले 3 सालों से मेहनत से तैयार हुए सेब के पौधे अब मीठे सेब दे रहे हैं। हालांकि बागवानी विभाग की ओर से सेब उत्पादन के लिए कोई भी प्रशिक्षण दिए जाने या मार्गदर्शन किए जाने के लिए पहल नहीं करने से सेब की फसल पर संकट के बादल छाए हुए हैं। संजय खान का कहना है कि 4 साल पहले पिताजी सेब के पौधे लेकर आए थे और घर के साथ ही पौधे लगाए थे। उन्होंने बताया कि सेब के पौधों के अलावा घर के साथ लगती जमीन पर सेब, आड़ू, लीची, अमरूद, आंवला, पलम के पौधे लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सेब के पौधों पर इस बार अच्छा फूल आया था, लेकिन बीच में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कम सेब लग पाए हैं। कम से कम 4 साल पहले जो है मेरे डैडी जो हमारे भाई जो रहते हैं बाहर, उनसे 2-3 पौधे लेके आए थे, तो मतलब लगाए, लेकिन उसमें ऐसा था कि 2 पौधे ऐसे थे जो ग्रोथ में नहीं चल रहे थे, वो बिल्कुल ही मतलब जैसे डेड पोजीशन में हो गए। पर एक पौधा ऐसा था जिसको मतलब थोड़ा खाद, जो घर की खाद जैसे तैयार करते हैं गोबर वगैरह का, उसको डाल के और उसके साथ थोड़ा और मतलब देखभाल जो उसकी अच्छे ढंग से की, वो भी हमारे डैडी जो काफ़ी मतलब इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो मतलब आने वाले टाइम में जैसे 2-3 साल हो गए, तो उसने मतलब इतनी ग्रोथ पकड़ी, इतनी ग्रोथ की जैसे उसको देखने में ही मतलब बेशक फल ना लगे हो, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और आने वाले समय में जैसे अभी जो है मतलब उसमें इतने सेब लगे हुए कि मैंने आज से कम से 5-6 साल पहले मैंने मनाली में देखे हुए थे ऐसे सेब लगे हुए, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए हैं। तो मतलब इसका यही है कि मतलब देखभाल और मतलब सही ढंग से उसको क्या करना, जैसे मतलब उसको जैसे फल लगे हुए तो उसमें मतलब प्रॉपर तरीके से उसको डैडी जी ने उसको लिफाफे से बांधा हुआ है कि कहीं मक्खी मच्छर कुछ या कोई भी ऐसा कुछ चीज़ लग नहीं रही है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसी करके मतलब मेहनत जो है मेरे डैडी जी ने काफ़ी मेहनत की, और इस वक्त जो है मतलब काफ़ी हमारे गाँव से भी हमारे रिलेटिव भी काफ़ी जो वहाँ पर आए और देखने योग्य है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा सेब और बढ़िया सेब है। मेरे डैडी जो है अभी तक हमारे घर में जो है कम से कम 3-4 पौधे पलम के लगाए हुए हैं, और मतलब इतने पलम जो वृक्ष, वो ऐसा वृक्ष है इतने फल देता है कि देखने वाले हैरानी वाली बात है। और साथ में 1-2 वृक्ष जो लीची के लगाए हुए हैं, अभी 2-3 पौधे मौसम्मी के तैयार किए, उसमें भी काफ़ी तरह से मौसम्मी जो तैयार हुई है। मतलब ये जो है मतलब सिस्टम जो हमारे डैडी जो काफ़ी मतलब घर में मतलब ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं इस काम के लिए, तो मतलब ये श्रेय बेसिक उनको जाता है कि अच्छी मतलब घर में जो है। गौरतलब है कि बन गांव में किसानों के खेतों में लगाए गए सेब के पौधों पर रॉयल सेब की तरह सेब लगे हुए हैं। अगर इन सेब के पौधों की सही देखभाल की जाए और बागवानी विभाग सेब उत्पादन से संबंधित बागवानों को प्रशिक्षण दे, तो हमीरपुर जैसे निचले क्षेत्रों में भी सेब उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।